हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सोनल आपको ब्रेड का हलवा बनाना बताऊंगी। ये चार ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं मैंने। ये घी है, ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये चीनी है और ये दूध है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दूध को पैन में डाल देंगे और इसको गाढ़ा कर लेंगे। जब तक दूध गाढ़ा हो रहा है तब तक ब्रेड को छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप चाहें तो मल्टीग्रेन और वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। दूध गाढ़ा हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। पैन में 4 चम्मच घी डालेंगे, 1/4 इसमें ब्रेड को डाल देंगे और ब्रेड को तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ब्रेड गोल्डन ब्राउन फ्राई हो गई है, अब इसमें दूध को डाल देंगे जो मैंने गाढ़ा कर लिया था। और इसको अच्छे से मिलाएंगे। दूध और ब्रेड को अच्छे से मिक्स कर दिया है और हलवा बन गया है। अब इसमें चीनी को डालेंगे। 4 ब्रेड में कम से कम 4 चम्मच चीनी डालेंगे। अगर आप कम पसंद करते हैं तो चीनी को कम डालिए। हलवे में चीनी को अच्छे से मिला देंगे। चीनी अच्छे से मिल गई है। ये हलवा जनरली बच्चों को बहुत पसंद आता है इसलिए, और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। ये देखिए, चीनी और दूध अच्छे से ब्रेड में मिक्स हो गया है। हलवा रेडी हो गया है, अब इसमें ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जनरली बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। इसमें मिक्स हो गया है, इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देंगे। और इसको मिला देंगे। ब्रेड का हलवा बनके तैयार हो गया है, अब इसे निकाल लेंगे। हलवा बनके तैयार हो गया है, अब इसके ऊपर थोड़े सा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। काजू बादाम को इसके ऊपर अगर मेरा ब्रेड का हलवा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।